चलिए सिग्राउंड का पहला खेल है। सिग्राउंड का मैच शुरू होने के साथ साथ में पुनः सभी दर्शक साथी को, सभी खेल प्रेमी को होता है, फुटबॉल में कभी कभी छतरी में बॉल लग जाते हैं, छतरी टूट जाते हैं, ऐसा भी हो जाते हैं, लेकिन विशेष करके ध्यान देंगे जब खिलाड़ी मैदान से दौड़कर बाहर आएंगे तो छतरी को अड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो खिलाड़ी गहरी चोटिल होंगे। दादी के नाम सितुम तहिंदो सितुम के नाम चतम को वो नगु बड़ा का गया जहां झेल चतम तहना डंडी खेड़ी पहटा आलोना पेटावा पकड़ खेड़ी लेके रेड कट होने है। चिटकी बासा टीम की खाड़ी मैदान के उत्तरी छोर पर नजर आ रहे हैं। मंच के बाद दिशा में टीमें मानगो डिमना अरिया और चांडी लेरी की खाड़ी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। मैदान के दक्षिणी साइड में मंच के दायां देना चौका अच्छा गति दिखा तो वीर हेमराम लेकिन सादर बचाओ गोलकीपर विश्वनाथ माटी के द्वारा टीम के कुछ स्टार खेड़ का नाम लेना चाहूंगा। टीम में जयपाल सोरेन मौजूद है पांच नंबर जैसे में, सत्रह नंबर जैसे में श्रीजोन सोरेन है। चंगा में आवाज आ रहा कि नहीं बोल खाली बॉक्स में आ रहा है जैसे लगता है। शरीर अगर आपका ठीक ठाक रहेगा तो मोमेंट आप फिर से बनाकर आप गोल दाग सकते हैं। 50 के मोमेंट में विश्वनाथ माटी को थोड़ी सी चोट जरूर लगा लेकिन आज से लिए गजब का शॉट गजब का गोल लिया पर 17 यानी खतरा। ये फुटबॉल की दुनिया में ये जर्सी नंबर के बारे में कहा जाता है श्रीजोन सोरेन। श्रीजोन सोरेन का जो हाइट है, जो बॉडी फिगर है, जो रनिंग है, जो शॉटिंग का क्वालिटी है, आने वाले समय में ये खिलाड़ी अपने ऊपर अगर डिसिप्लिन को बनाए रख पाएंगे तो ऊंची मुकाम को ये हासिल कर सकते हैं। श्रीजोन नाम नहीं है, 17 नंबर के जर्सी पर श्रीजोन है डिफेंस लाइन में और जर्सी नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है। चल बहुत ही खुशी बात है, अभी भी हमारे मंच में हमारे अतिथि समाजसेवी श्री रविंदर माडी जी का आगमन हो चुकी है। मैं इनको हमारे कमेटी परिवार को से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। लोग भी रेडी में रहेंगे। फिर से मौका शिवनाथ सिंह के लिए, शॉटिंग पावरफुल रहा, गोलकीपर का पोजीशन में कोई खराब नहीं था, बॉल पूरी तरह कोने में समा गए। मुकेश माटी बॉल को रोकने में नाकाम रहा। नरगा आप क्या करते हैं देखना होगा। टीम में वीर हेमराम अच्छे स्वरार जैसे मेरे 11 पर नजर आ रहे हैं। टीम में सुकुडू कप्तान है जिसमें 10 पर, कम उम्र में काफी सारे बड़े लेफ्ट के टूर्नामेंट खेलने करने का अच्छा खासा अनुभव है। देखने वाली बात है क्या समय में नारगा की खाड़ी क्या वापसी कर लेंगे, ये देखने वाली बात है। चला पर गलत पोजीशन, फुटबॉल फिजिकल खेल जरूर है लेकिन अगर आपका बॉडी लेवल विपक्षी दल के बॉडी लेवल में ले जाएंगे और कवरिंग करके बात को चला गया, कवरिंग के जगह पर आपने जो गलत पोजीशन करने का कोशिश की थी ये शायद फाउल रहा।
इसके बाद जो मैच होगा शिखरान का दूसरा मैच के लिए एसटी जवाई गुराटी एफसी और एसके एफएम उसको भी आप रेडी में रहेंगे। शिखरान का तीन नंबर का मैच तानियाब से रुआम वर्सेस आरकेश रायदोहा एफसी के बीच मैच होगी, आप भी रेडी में रहेंगे। सेकेंड मैच ले तैयार रहेंगे एसटी जवाई गोडाड़ी वर्सेस एसके एफएम।
बढ़िया।